नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा करा था कि मैं अगली वीडियो आसिफ की ही लाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि मेहनत क्या होती है और कैसे रंग लाती है। किसान भाइयों, अगर मैं ये कहूं कि मुजफ्फरनगर ज़िले का सबसे प्यारा चक अगर मुझे कोई लगाए तो वो आसिफ का है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप खुद आके देख सकते हैं कितना सुंदर प्रबंधन पूरे के पूरे चक का है। लगभग 50-60 बीघे गन्ना ऐसा का ऐसा खड़ा है कि आप खेत में आने के बाद घर नहीं जाएंगे अपने एक दो घंटा। किसान भाइयों, जहां 0238 गन्ने में बहुत ज़्यादा रोग लगे हुए हैं, वहां ये 0238 और 0239 दो वेराइटी आसिफ के पास हैं। दोनों की दोनों इतनी ज़बरदस्त तगड़ी खड़ी हैं किसान साथियों के विश्वास नहीं होता। ये देखिए किसान भाइयों, आसिफ ही सामने खड़ा है और किस तरह दोनों तरफ जो है मेल लगी हुई है, इधर भी और इधर भी, और सारे चक में ही ऐसी मेल है। और किसान साथियों, पत्ती उतार रखी है, ऐसा लगता है जैसे ट्रेंच के खेत में हम घूम रहे हों, किसी गन्ने के बाग में हम आ गए हों। और किसान भाइयों, ट्रेंच नहीं है ये, 28 इंच की ही बुआई है। तो आसिफ, ये कौन सा बीज है भाई? ये है जी 0239। यही आपके पास पहले थे? ये हमारे पास पहले से है जी, हमारे पास 4 साल हो गए इस गन्ने को जी। अच्छा, हमारे बहुत अच्छे तरीके से हो रहा। पिछले साल जो था, हाँ, इससे भी उसकी 10 बार बंदाई हो रही थी जी गन्ने की भी। मैंने वो भी देखी थी वीडियो। हाँ जी, एक सोमवीर सिंह ने भी बनाई थी आपके, हाँ, जो है ताऊ जी की वीडियो, बहुत तगड़ा, कई 2-3 साल से वीडियो बनाई थी वो जी। हमारी मुड्डी जिसमें 10 बार बोर्ड बंदा था, उसी की मुड्डी थी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। किसान भाइयों, आसिफ की बात रोक के मैं एक और चीज़ बताऊं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सके क्योंकि मैं आज आपको आसिफ का सारा चक दिखाऊंगा। और ये जो गन्ना आप देख रहे हैं, लगभग गन्ने की हाइट 15-16 फुट है और कितना प्यारा कितना सुंदर खेत है किसान साथियों। सारा चक ऐसा ही है, एक गन्ने का खेत, इससे भी तकड़ा खड़ा किसान भाइयों, आप विश्वास नहीं करने के, इससे भी तकड़ा खेत है। वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा। और एक खेत मई की बुआई का है जिसे सब ये कह रहे थे कि भाई ये नहीं होने का अब जा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आसिफ यार, सच सच ये बताओ भाई, हमारे किसानों का फायदा हो सके, आपने क्या लगा रखा है इसमें? क्योंकि आप तो कहते हो कि भाई जो है हम तो नॉर्मल ही खाद और दवाइयों का इस्तेमाल करें, लेकिन यार नॉर्मल तो सब करते हैं, इतना तगड़ा गन्ना होने का कुछ तो राज है। हमने जो घेरा में, तो भाई बता रहा हूँ आपके बोने के तरीके की। नहीं, वो तो हमने सुन लिया। अच्छा, अकबर DAP यूरिया थायोमेथोक्सम और रिजेंट। अच्छा जी भाई, इसमें कोई जैविक चीज डाली हो? देखो गन्ना कितना साफ है और बिल्कुल भी रोग नहीं, इसका क्या कारण? कितनी स्प्रे लगाई? स्प्रे लगाई भी सिर्फ 3 जी। 3 स्प्रे? 3 स्प्रे। ऐसा कैसे हो सके यार? ऐसे लगा लो ये, आप देख लो। अच्छा, हल्की तो भाई हमारी, एक तो जिसे बोलते हैं लैम्डा जी। अच्छा, तो दवाई वो लगाई, उसमें कार्टा मिला लिया। अच्छा, और जी एक नायक बोल रहा जी, वो उसकी पलट है जी। अच्छा, लैम्डा की वो लगा लीजिए। चलो, तो मतलब कहने का ये 2-3 ही स्प्रे हैं, 2-3 स्प्रे कर, वो भी हल्की सी, और 2-3 बार ही खाद डालना। दो बार सिर्फ खाद डालना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हमारा गन्ना इतना तैयार। तो इसका मतलब तो अल्लाह मियां मेहरबान है भाई आसिफ थर में। हाँ जी, अब अल्लाह का शुक्र है, मौज आ रही वाकई में। 2 साल से तो मैं देख रहा कि मैं वाकई में ही क्या हो जाऊं, एक आध खेत तो कोई भी कर लेता है, लेकिन पूरा का पूरा चक, पूरा का पूरा चक ऐसा का ऐसा ही खड़ा आपका, ऐसे ही खड़ा। बहुत मुझे रोक पूछा ये लोग भाई कि तुमने क्या डाला है इसमें। बिल्कुल सड़क पे बिल्कुल दिलाई बताते हैं जी, बिल्कुल जाए कि हमने ये तरीके डाला है जिसमें इसी चीज हम डाल लो, आपकी अच्छी फसल होगी। ठीक। देखो किसान भाइयों, इस खेत से अब दूसरे में चलते हैं क्योंकि बहुत सारे खेत हैं और सारे के सारे ऐसे ही हैं। मैं चाह रहा कि कम से कम 2-4 खेत तो एक वीडियो में कवर जरूर हो जाए। तो आसिफ अब चल रहे हैं उसमें मई वाले में, और फिर वो सबसे तकड़े वाला भी दिखाते हैं। तकड़े वाला, चलो। तो ये निकल गए हम इस तगड़े खेत के बाहर। ये 15023 आसिफ का सारा बीज में जा चुका है। ये देखिए पेड्डी अभी से ही कितनी अच्छी तैयार है। और ये आसिफ ने यहाँ जैसे ये 15023 पिछले वर्ष लगाया था, इसमें भी लहसुन लगाया था साथ में, और ये खेत तैयार करा। इसमें 0118 वेराइटी लगाई इन्होंने, और इसमें भी लहसुन की बुआई कर रखी है। लहसुन का कमाल तो नहीं आसिफ, यो सारा का सारा कहीं पर, सारे चक में लहसुन थोड़ी है। अब ये देखो किसान भाइयों, ये खेत बिल्कुल पछेता इन्होंने बोया था, हम कम से कम भी 2.5 फुट ऊपर खड़े, नीचे ही चलेंगे आसिफ यहाँ। ये देखो किसान भाइयों, इतना ज़बरदस्त कलर है गन्ने पे, इतना प्यारा गन्ना कि आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा,
अंधेरा हो रहा बिल्कुल गन्ने में। ये देखो किसान भाइयों, मई का है बिल्कुल, कब बोया, ये कब बोया था आसिफ लास्ट में? जी लास्ट मई में बिल्कुल जी, लास्ट मई। सर लोग बाग नो कह रहे थे कि हंस रहे थे कि अलग गन्ना हो पाएगा नहीं, नहीं होने का, नहीं होने का। तो हमने इसलिए देखा जी, मैंने जो बुआई करी इसकी सूखे की बुआई करी थी जी मैंने अच्छे तरीके से, तो मैंने इसमें वही लगा जी। अच्छा जो सारा फॉर्मूला अपना भाई बताता हूं आपको, मैंने तो वही लगा इसमें। इसमें लगाने के बाद तो दूर दूर का अच्छी थी। इसमें ब्याज इन इस तरीके से करा जी 247 ने जी, कि लोग फिर देखते हैरान हो गए, कह लगे भाई इतना जबर गन्ना कैसे हो गए। बहुत सुंदर खेत है आसिफ सारा, बहुत ही प्यारा भाई। अच्छा यार काली हो रही जमीन तो आसिफ तेरी, पता नहीं तू तो सीक्रेट फॉर्मूला तो डाल रहा कुछ है, काली लग रही धरती में सारी में। बस ये मान लो जी, अच्छा ज्यादा दवाई भी यूज नहीं कर रहे हम। अच्छा ज्यादा दवाई से इतनी दवाई गिर, अगर ज्यादा दवाई गिर फिर क्या बच पाएगा जी? नहीं बहुत ज्यादा खाद उसमें तो करना भी नहीं चाहिए, एक साल थोड़ी लेनी फसल, तो हर साल ही लेनी है जी हमारी। हाँ अपना खेत थोड़ी खराब है। चलो ठीक है, अब किसान भाइयों ये देखे कि बिल्कुल काला। अच्छा एक भी पेड़ में रोग नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है यार, बिल्कुल भी रोग नहीं है इसमें, इसमें ना कोई से भी गन्ने में। अब किसान भाइयों मैं आपको इसका एक ऐसा खेत दिखाऊंगा जो इतना तगड़ा खड़ा के मैं कहूँ के पूरे मुजफ्फरनगर जिले में तो उससे तगड़ा खेत होगा। नहीं जी उससे जबर खेत नहीं है, मुजफ्फरनगर जिले में उससे तगड़ा खेत नहीं है, पूरे मुजफ्फरनगर जिले में उससे तगड़ा खेत मुझे लगने का नहीं। मेरे साथ मेरठ में बागपत में भी ना हो जी। ना होगा बिल्कुल ना हो नहीं होने का भाई। किसान भाइयों 38 गन्ने का 39 गन्ने का उससे तगड़ा खेत मैंने नहीं देखा, इसी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखो जहाँ तक भी नजर जा रही इस खेत की, मतलब ऐसा लग रहा कि क्या, मतलब बहुत सुंदर बहुत ही अच्छा गन्ना खड़ा सारा। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ, बहुत प्यारा गन्ना है। चल भाई आसिफ अब उसमें चलते। तो किसान भाइयों अब मैं आसिफ के उस खेत पे पहुँच गया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। गन्ने की हाइट कम से कम आसिफ कितनी होगी? 18-19 फुट तो जरूर है जी, 18-19 फुट जरूर है किसान भाइयों। और चर चर पच पच मेढे की मेड़ लगाई हुई है। आसिफ एक बार वहाँ जाओ, बीच में खड़ा हो जा और हाथ ऊपर करना एक बार, यहाँ इधर बीच में आओ बिल्कुल। हाँ मैं फ्रेम में लेने की कोशिश करता हूँ, आवे तो है नहीं। ठीक है ये देखिए किसान भाइयों खूब है 18 फुट के आसपास गन्ना, और 0239 ही वेराइटी है ये किसान साथियों। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, सड़क पर ही खेत हैं इनके बिल्कुल। जैसे ही आप, ये कौन सा रास्ता है, शामली, शामली रोड है जी, शामली मेरठ है ना। हाँ इस रोड पे बिल्कुल, यहाँ काफ़ी लोग रुक रुक के देखते हैं इसका पूरा खेत। ये देखो किसान भाई सारा ऐसे ही खड़ा है, इन्होंने पूरी मेड़ लगा रखी। तो ये आसिफ इधर को आजा भाई, ये कब बोया था भाई पिछले साल? ये बोया था सितंबर में बारिश के बाद जी। अच्छा जब बारिश ही हुई सितंबर में है जी, जब बोया था जी। अच्छा मसोजिया है। तो किसान भाइयों पिछले साल सितंबर में ये गन्ना लगाया गया था, और गन्ना क्या बिल्कुल आफत खड़ी, और वही बात है इसमें भी स्प्रे वगैरह, स्प्रे वगैरह इसमें बहुत कम आई जी। अच्छा जो आपको दिखा था मैंने, मैं पिछली पीछे खेत दिखा था जी। हाँ हाँ वही लागत इसी मारी, तीन स्प्रे। अच्छा तीन है इसमें भी, तीन स्प्रे इसमें भाई आसिफ, छः छः सात सात स्प्रे में नहीं गन्ना रुका यार, जो है आपके किसानों का। तो ये भी इसकी भी बंधाई हो रही है जी। हाँ इसकी भी 7 बार बंधाई हो रही है गन्ने की, 7 बार दिखी रहा मेल लगा रखी फिर उसके बाद है। हाँ जी मुझे लगा मेल के बिना तो एक भी खेत नहीं बच रहा होगा, मेल के बगैर एक भी खेत नहीं लग रहा, मेल पे मेल लग रही जी। हाँ मेल, मेल के बिना तो एक भी खेत नहीं बच रहा सिख। हाँ जी ठीक ठीक ठीक। तो किसान साथियों मुझे तो ये बताता नहीं क्या डाला, आप आके अगर इसका चक देखना चाहो तो मिल लेना आसिफ से, रोड पे रुक रुक कर पूछते हैं कि भाई तने क्या गया और तो मैं बता, ऐसा नहीं होता आसिफ आराम के साथ में। हाँ। मैंने अपने दिलाई बताता हूँ कि मैंने फला चीज डाली है जी। अच्छा आप भी यूज करके देख सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, जिस भाई को बीज भी चाह सकता बीज भी दे देंगे जी। हाँ नहीं वो तो आप जो है बढ़िया स्वभाव है भाई, जो है वो मिल भी जो है 15023 मिल रेट पे ही दे रहे हैं सबको, मिल के थ्रू ही दे रहे हैं, और किसी को जो चाहिए 0239 तो खैर बहुत सबके पास है, अगर किसी को चाहिए होगा तो ले भी लेना, कोई ऐसी बात नहीं। सारा ही ऐसा खड़ा किसान भाइयों पूरा, कितने बीघे का खेत है आसिफ? ये सारा खेत है जी, ये 15 बीघे खेत है जी। 15 बीघे का है ना, 15 बीघे यो है, और जो वीडियो के शुरू में था वो कितने बीघे का खेत है? वो 15 का था जी, 15 बीघे का ही वो है जी। अच्छा और वो भी बहुत बड़ा खेत है, वो कितने भी है? जी, वो है जी 10 बीघे का, वो 10 बीघे का है, 10 बीघे और बीच में भी। तो किसान साथियों चलो थोड़ा सा अंदर चलते हैं, थोड़ा सा और किसानों को दिख जा सारा। किसान भाइयों सारा गन्ना ऐसा ही खड़ा आसिफ का, हर साल ही ऐसा होता है, इसी साल नहीं बहुत तगड़ा गन्ना खड़ा, और 38 ही है, 39-38 दोनों एक ही साथ आए थे ये।
धन्यवाद।